TNN वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो लोगों को बताओ ना कि आजकल लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में। नहीं है, नहीं है, किसी को भी नहीं है, और दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं। संविधान मेरे 1951 या 53। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। सो हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं, हमारी कंट्री फ्रीडम आज़ादी मिली थी उसको, उसका इसलिए उसका जश्न मनाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली पहले इस बारे में ना लोगों को नहीं पता, नहीं था, हाँ सबको, एक्चुअली सबको पता ही है, बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं पता या समझते नहीं है। नहीं नहीं, ये जो आपने जानकारी शेयर करी है बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मतलब लिटरली लोगों को नहीं पता था इस बारे में। तो कब हुआ था हमारा देश आज़ाद? 1947। अच्छा ठीक है। एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि शायद मुझे जहाँ तक पता है उसका अपने देश के कानून बनाया गया था उस दिन। नहीं, अभी आपने ये भी सही बात बोली, पहले सच में लिटरली लोगों को नहीं पता था, शुक्रिया ये जानकारी शेयर करने के लिए। तो कब हुआ था, 1900 कब? 1900 संविधान कब लागू हुआ? संविधान मेरे 1951 या 53। 1951 या 53, मतलब दो साल चला। दो साल मतलब 51 में बना है या 53 में बना है संविधान? तो इतना लेट क्यों बना? क्या लगता है 47 में हम आज़ाद हुए और आप बता रहे 53 में लागू हुआ? व्हाट डू यू थिंक? मुझे कंफर्म नहीं पता कब बना, अगर आप 1950 में हुआ, 50 में हुआ। हाँ, वैसे क्या लगता है क्यों लेट हुआ होगा? लेट तो है, 3 साल लेट है। तो क्यों लेट हो गए होंगे ये उस टाइम? और किसने लिखा होगा संविधान? बाबा साहब अम्बेडकर। सारी जानकारी पता है, नॉलेज है। रुको तो सही, नॉलेज तो है, तो लोगों को बताओ ना कि आजकल लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में। नहीं है, नहीं है, किसी को भी नहीं है, और दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं लोगों के, मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि हमारी कंट्री, देश, हमारा कल्चर, हमारा कुछ भी नहीं, कोई काम का ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस शहर में, तो बिल्कुल भी नहीं है। बकवास, वाहियात, सब ये सब बोलोगे आप दिल्ली वालों को? हैं, ये बोलोगे दिल्ली वालों को? बिल्कुल, किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। सच, मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ आपको पता है जिसने ये बताया, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, इसलिए आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, बजाओ। नहीं बजाऊंगा, बहुत जोरदार। चलो अब एक देशभक्ति का गीत सुना दो। गीत कोई भी, कोई क्योंकि आपने देखो सब सारे टेस्ट में आप पास हो गए, सारे टेस्ट में। कोई भी वंदे मातरम हो गया, ए वतन हो गया, एक लाइन सुना दो ताकि ऑडियंस को पता चले कि ठीक है। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, अभी यही दिमाग में आया। ये गाना है ऐसे? हाँ, गाना है ना, ए वतन, ए वतन, जाने मन। हाँ, ए वतन, ए वतन, ए वतन, आरिश्वरी गाना है। हाँ, ये अजय देवगन की मूवी का गाना है। एक बार अजय देवगन वाला स्टाइल भी दिखा दो, सब तो बताइए आपको, चलो बता दो। अजय देवगन का कौन सा स्टाइल? कोई भी दिखा दो, नहीं आता। ये जीत गए, जय हिंद करके चले जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।